बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सुबह जब मैं पंजाब पहुंचा तो बड़े दुख की खबर सुनने को मिली कि 3 महिलाएं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो संघर्ष कर रही थी किसानों के साथ, एक ट्रक ने उन तीनों को कुचल दिया और उन तीनों की मौके के ऊपर उन तीनों की मौत हो गई। सबसे पहले मैं उन तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन तीनों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवार वाले हैं उनको इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। जो दोषी लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर है या जो भी लोग हैं, उनको तुरंत सरकार गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे। पूरे देश में कहीं से भी अगर खबर आती है कि किसान ने खुदकुशी कर ली तो बहुत तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, आम लोगों को तकलीफ होती है, जनता को तकलीफ होती है, कोई सुनता है। आप लोग भी जब सुनते हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं अगर कोई किसान, गरीब किसान आत्महत्या करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज अगर आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। जितने मर्जी किसान मर जाएं, जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें, एक साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है अभी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है। एक साल से 11 महीने से ऊपर हो गए, 11 महीने से ऊपर वहां पे बैठे हैं, 600 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान दे के जा रहा हूं। हो सकता है आपको यह लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, अब 70 साल हो गए, 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी, ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल, दिल्ली में करके दिखा दिए। पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले। दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई? आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे। अभी थोड़े दिन मैंने पढ़ा
मैं पंजाब की खेती के बारे में हम सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं एक महीने बाद फिर आऊंगा, वो सारी प्लानिंग आपके सामने रखूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। लेकिन आज मैं अचानक इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, पंजाब के अंदर भी बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, पंजाब के अंदर भी गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा। इसलिए मैं उस मुद्दे के लिए आज यहां पे आया हूं। फिर अखबार में मैंने पढ़ा चन्नी साहब नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। चन्नी साहब एक गांव में गए जहां पे गुलाबी सुंडी फसल बर्बाद हुई थी और वहां पे एक किसान को गले लगा लिया। उस किसान का नाम भी है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ जी हरप्रीत, हरप्रीत। उस किसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। सारे गांव के लोग बड़े खुश हो गए, उनको लगे यार अब एक मुख्यमंत्री आया है। अभी एक हफ्ता पहले अखबार में खबर छपी, वो बेचारा हरप्रीत कह रहा है जी गले तो लगा लिया मेरे को, सारी बसों के पीछे फोटो भी चिपका दी मेरी गले लगते हुए। बोले एक महीना हो गया अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिसको गले लगाया उसको भी मुआवजा नहीं दिया, जिस गांव में गले लगाया उस गांव के लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया। मैं चन्नी साहब को, कई लोग मेरे को आते हैं मेरे को कहते हैं चन्नी कि चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं चन्नी साहब आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं चन्नी साहब से अपील, और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। जब ओरिजिनल आपके सामने खड़े हैं तो फिर नकलची को वोट देने से क्या फायदा, डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। ओरिजिनल को ही लो ना, ओरिजिनल माल लो मार्केट से, वोट दोगे तो ओरिजिनल माल मिल जाएगा। तो मैं आज चन्नी साहब से अपील करना चाहता हूं कि पहली बात किसानों के साथ बैठ के, किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठ के आप ये हिसाब लगाओ कि फसलों का जो बेमौसम बारिश से धान खराब हुई है उसका, और जो गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हुई है, नरमा बर्बाद हुआ है उसका कितना लागत थी, कितना नुकसान हुआ। जितनी लागत थी कम से कम उतना तो भरपाई करो। ये 8,000 रुपए कहां से आ गए? 8,000 रुपए से तो किसी ने अभी बोला कि 40,000 रुपए दिए 5 एकड़ के, वो भी 37,000 काट कुट के दिए, 37,000 में हमारा क्या होगा? 37,000 में तो घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो जितनी लागत थी कम से कम उतनी लागत तो किसानों को दो। दिल्ली में हम दे रहे हैं, दिल्ली में 2015 में मेरी सरकार बनी फरवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में मेरे पास किसान आए बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं किसानों के साथ उनके गांव में गया, गांव के अंदर ही मीटिंग बुलाई सारे किसानों की, वहीं पे उन्होंने मेरे को सारी कैलकुलेशन करके दी। कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया जी 18,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है। वहीं पे उसी गांव के अंदर अफसरों को हमने ऑर्डर करा, 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने ऐलान कर दिया और 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं कि ज्यादा, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट के अंदर पैसा चला गया। उसके बाद से लेके हमने पॉलिसी बना दी, तब से लेके आज तक जितनी बार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हुई है
हमने 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया है। तो मैं चन्नी साहब से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप भी जितना बर्बाद जो फसल की लागत है उस लागत को कम से कम आप इनको दो। और मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं कि अगर चन्नी साहब आपको आपकी लागत नहीं देते, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खुदकुशी मत करो, खुदकुशी मत करो। बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें अपना बेटा मान लो, छोटा भाई मान लो अपना, खुदकुशी मत करो। मैं समझता हूं, मेरे को किसान बताते हैं अगर हम फसल ना लगाएं, बोले तब भी चल जाता है, लेकिन अगर पैसा खर्च करके, खाद खरीद के, बीज खरीद के, अगर हम फसल लगाएं, पैसा उठा के फसल लगाएं और फसल बर्बाद हो जाए, बोला फिर तो हम कहीं के नहीं बचते। हमको पैसा वापस करना पड़ता है, पैसा वापस करने को होता नहीं है, तो हम कहीं के नहीं बचते, इसलिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है किसान। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी, अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। दूसरा, जितने मजदूर हैं, जिन मजदूरों ने खेत में काम किया, फसल बर्बाद हो गई, जमींदार बेचारा मजदूरों को भी पैसे नहीं दे पाता, मैं उन मजदूरों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी चिंता मत करो, आपको भी उचित मुआवजा। कितना मुआवजा देंगे, लागत जितनी लागत आती है, और जितना आपके साथ बैठेंगे किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर मैं किसानों के साथ बैठा, किसानों ने 18,000 रुपए मांगे, हमने 20,000 रुपए दे दिए, यहां पे कितनी लागत आती है, आपके साथ बैठेंगे, मार्च के महीने में बैठेंगे, जितनी लागत आपकी है इन दोनों बेमौसम बारिश की वजह से और गुलाबी सुंडी की वजह से, जितनी भी फसल आपकी बर्बाद हुई है उसका मुआवजा हम आपको 30 अप्रैल तक दे देंगे। तो आज दो चीजें ऐलान कर रहा हूं, एक तो ये 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे, और दूसरा जितना आपकी लागत आती है, अगर कभी भी भविष्य के अंदर फसल बर्बाद होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर कभी भी फसल बर्बाद होती है, जो लागत है उस लागत के हिसाब से आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और तीसरी चीज, अभी अगर चन्नी साहब आप लोगों को उचित मुआवजा नहीं देते, कृपया हाथ जोड़ के अपील है, आप कोई गलत कदम मत उठा लेना, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर हम मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर डलवा देंगे। अभी आप सब लोगों के मैं सुझाव सुन रहा था, बहुत अच्छे आप लोगों के सुझाव थे, मैं सारे मैंने नोट कर लिए। एक आया कि नकली दूध बिक रहा है बहुत ज्यादा, अगर नकली दूध बंद कर दिया जाए तो बहुत सारे किसान हैं जो डेयरी के जरिए उनकी इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को असली दूध पीने को मिलेगा, इसको जरूर लागू करेंगे। एक सुझाव आया पशुओं का बीमा कराना चाहिए, बहुत अच्छा सुझाव है। एक किसी ने शायद हमारा दिल्ली का वो जो हमने घोल बनाया है पराली, अभी एक किसान पराली जलाने के लिए मजबूर होता है, मजबूरी में जलानी पड़ती है। एक किसान भाई ने बताया कि जिस सबसे ज्यादा जब वो किसान अपने खेत की पराली जलाता है, सबसे ज्यादा धुआं तो उस किसान के परिवार को झेलना पड़ता है, वो किसान बीमार होता है उस धुएं की वजह से। दिल्ली के अंदर हमने क्या किया, हमने घोल बनाया है, उस घोल को अगर आप अपने खेत में छिड़क दो तो आपकी पूरी वो जो पराली है वो गल जाती है और गल के खाद बन जाती है वो 10 से 15 दिन के अंदर, और उसके अंदर वो उसके बाद वो खाद जो है वो आपके खेत को और ज्यादा उपजाऊ करती है, आपकी अगली फसल जो है वो और बढ़ती है। ये घोल, पूरा घोल दिल्ली सरकार अपने पैसे पे बनवाती है और अपने पैसे पे पूरी दिल्ली के सारे किसानों के खेत में फ्री छिड़काव करती है।
ये हम पंजाब में भी करेंगे। आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खेतों के अंदर उस घोल का छिड़काव फ्री में करेंगे। लेकिन एक और बड़ी मजे की बात है, पंजाब के अंदर मैंने कई लोगों से बात करी, पराली से कोयला बनता है, पराली से बिजली बनती है, पराली से गत्ता बनता है। और ये पंजाब के अंदर मैंने 6-7 ऐसी फैक्ट्रियां देखी हैं, उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। और पूरे पंजाब के अंदर इतनी फैक्ट्रियां लग सकती हैं कि इतने बच्चों को रोजगार मिलेगा। अभी एक किसी ने बोला एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए, बहुत अच्छा सुझाव है। तो ये जैसे पराली है, इसी तरह से न जाने कितनी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और उसमें अपने को अंबानी अडानी को नहीं लाना, किसानों के ग्रुप मिलके, किसानों के बच्चों के ग्रुप मिलके। अब आपको कनाडा भेजने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को, यहीं पे आपके गांव के अंदर इंडस्ट्री लगाएंगे, आपके शहर के अंदर इंडस्ट्री लगाएंगे, इतनी इंडस्ट्री लग सकते हैं, इतना विकास हो सकता है। एक किसी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया डीएपी की फैक्ट्री लगाने का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारे किसान, गरीब किसान उन्हीं की फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, और वहीं का डीएपी जो है हमारे पंजाब के अंदर इस्तेमाल हो, हम क्यों नहीं लगा सकते डीएपी की फैक्ट्री, लगानी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, इन सारे सुझावों को मैंने नोट किया है। और अंत में वो अमनप्रीत ने जो बोला था, वो कहाँ है वो लड़का अमनप्रीत? बच्चे मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम मिलके करेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल बदल दिए, सरकारी स्कूलों के इस साल नतीजे सरकारी स्कूलों के बच्चों के 99.8% नतीजे आए, 99.8% नतीजे, सोच सकते हो, सरकारी स्कूलों के बच्चों के नतीजे 99.8% आए हैं। अगर हम दिल्ली के सरकारी स्कूल बदल सकते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पताल बदल सकते हैं, दिल्ली की बिजली पानी सड़कें बदल सकते हैं, तो पंजाब की खेती भी बदल सकते हैं, मिलके बदल सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पंजाब के अंदर जब मौका मिलेगा खेती को इज्जत का धंधा बनाएंगे, खेती को मुनाफे का धंधा बनाएंगे। और जो अभी भगवंत भाई ने बोला कि सबसे ऊपर पहले नंबर पे खेती होगी, दूसरे नंबर पे व्यापार होगा, और तीसरे नंबर पे नौकरी होगी, इसको वैसे ही करेंगे। इसकी मैं पूरी, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, 1-1.5 महीने के बाद मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगा सारी पूरी प्लानिंग करके। आज केवल इस चीज के लिए आया था क्योंकि दिल में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज आपको ये कहने के लिए आया था, आत्महत्या मत कीजिए, इंतजार कीजिए, 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, मिलके पंजाब को बदलेंगे।